दोस्तों, आप भी सूर्य कुमार यादव को एक बेहतरीन विस्फोटक 360 डिग्री प्लेयर मानते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दें। तो भारत बनाम वेस्ट इंडीज T20 सीरीज चल रही है और इस सीरीज से रोहित शर्मा बाहर हो चुके हैं अपनी बैक स्पैज्म इंजरी के चलते। ऐसे में चौथे T20 मुकाबले से पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोच राहुल द्रविड़ ने साफ कर दिया है बचे हुए मैचेस के लिए न्यू कप्तान कौन रहने वाला है। साथ ही साथ फॉर्म से जूझ रहे प्लेयर श्रेयस अय्यर आवेश खान को चौथे T20 से बाहर कर दिया है। तो चौथे T20 में काफी सारे बड़े बदलाव हुए हैं। न्यू यंग प्लेयर्स को मौका मिला है, पूरी तरह से प्लेइंग 11 बदल चुकी है, कप्तान बदल चुका है। पूरी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले दोस्तों आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या या फिर ऋषभ पंत कौन बेहतर T20 कप्तान है, कमेंट करके हमें अभी बता दें। दोस्तों, भारत का वेस्ट इंडीज दौरा चल रहा है जहां पर T20 सीरीज का चौथा T20 मुकाबला CORP स्टेडियम फ्लोरिडा में खेला जाना है। लेकिन तीसरे T20 मुकाबले के दौरान रोहित शर्मा जब बैटिंग कर रहे थे एक बैक स्पैज्म इंजरी के चलते पूरे दौरे से बाहर हो चुके हैं। साथ ही साथ अब इन पर डाउट ये भी बना हुआ है कि रोहित शर्मा कहीं एशिया कप से भी बाहर ना हो जाए। ऐसे में इस T20 सीरीज में अभी तो टीम इंडिया 2-1 से आगे है, यानी सीरीज जीतने के लिए चौथा T20 मुकाबला बेहद अहम रहने वाला है। राहुल द्रविड़ ने न्यू कप्तान का अनाउंसमेंट कर दिया है। उससे पहले हम देखते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11। तो प्लेइंग 11 में रोहित शर्मा को ईशान किशन रिप्लेस करने वाले हैं बतौर ओपनर। साथ ही साथ खराब फॉर्म के चलते श्रेयस अय्यर, जिन्होंने 3 T20 मैचेस में 11 की एवरेज से मात्र 34 रन ही बना पाए हैं, उनकी जगह पर दीपक हुड्डा को शामिल किया है। तो वहीं आवेश खान, जिन्होंने 2 T20 मैचेस में 15 की इकोनॉमी से 78 रन दिए हैं और एक ही विकेट अपने नाम कर सके हैं, तो इनकी जगह टीम में हर्षल पटेल को लिया गया है। ऐसे में हम टीम इंडिया की प्लेइंग 11 को देखते हैं तो एज अ ओपनर ईशान किशन सूर्य कुमार यादव रहने वाले हैं। मिडिल ऑर्डर में जहां पर श्रेयस अय्यर खेल रहे थे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, दीपक हुड्डा को मौका मिला है। तो वहीं ऋषभ पंत एज अ विकेट कीपर बैट्समैन खेलने वाले हैं। लोअर मिडिल ऑर्डर एज अ फिनिशर हार्दिक पांड्या दिनेश कार्तिक की जोड़ी खेलने वाली है। तो वहीं स्पिनर्स के तौर पर रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन रहने वाले हैं। साथ ही साथ 3 टॉप क्लास पेस बॉलर्स की बात की जाए तो भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह और आवेश खान की जगह पर हर्षल पटेल की वापसी हुई है T20 टीम में। तो इस प्रकार से इस चौथे T20 मुकाबले में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 रहने वाली है। रोहित शर्मा जो इंजरी के चलते बाहर हुए हैं, ऐसे में बतौर ओपनर तो ईशान किशन को रिप्लेस किया गया है। तो वहीं बतौर कप्तान यहां पर ऑप्शंस अगर हम देखते हैं तो हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत मौजूद है, लेकिन जिस प्रकार से हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस आई है एज अ T20 कैप्टन, हार्दिक पांड्या बचे हुए T20 मैचेस में कप्तानी करने वाले हैं। अब आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या या फिर ऋषभ पंत कौन बेहतर कप्तान है, कमेंट करके हमें अभी बताएं। सभी लाइव लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट्स लगातार पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, बेल आइकन पर ऑल प्रेस करके रख लें। धन्यवाद।